सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज हम लोग फाउंडेशन का जो दिसंबर 22 टर्म के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट रिलीज़ किया है उसका डिस्कशन करेंगे. वील बी डूइंग द इकोनॉमिक सेक्शन इन दिस वीडियो, द बिजनेस इकोनॉमिक सेक्शन. इट इज़ कम्प्लीटली MCQ बेस्ड एज ऑल ऑफ यू नो. इकोनॉमिक सेक्शन से 60 क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर रिलेटिवली वेरी ईजी, वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. बस कुछ होते हैं जिनमें हम लोग को याद रखना होता है, तो जैसे जैसे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस वी विल कीप डिस्कसिंग कि क्या इम्पॉर्टेंट है एंड क्या रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर है, हम लोग को दिख रहा है. कि तीनों ऑप्शंस में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बोला गया. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि इट इंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, व्हिच इज़ नॉट ट्रू. इकोनॉमिक्स हम लोग को 100% सोल्यूशन नहीं देता है सारे प्रॉब्लम्स के लिए. इट के नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, दिस इज ट्रू. इकोनॉमिक्स डज नॉट इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इकोनॉमिक्स का एम ही है टू इनेबल अस फॉर एग्जामिनिंग इन द राइट पर्सपेक्टिव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बिजनेस इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ये फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में कवर हो चुका है. अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस द एक्शन इज एथिकल. एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट एंड द एक्शन मेक्स मनी फॉर द पर्सन. वी नो वेरी वेल कि द करेक्ट आंसर इज 3C, बिकॉज 3B तो डेफिनेटली रॉन्ग है. नो वन विल वॉन्ट, नो रैशनल पर्सन विल डू समथिंग जिसमें उसका कॉस्ट ज़्यादा लगे एंड रेवेन्यू उसको कम मिले. एथिकल हम लोग नहीं देखते हैं. वी हैड डिस्कस्ड कि एथिक्स डज नॉट कम इन टू इकोनॉमिक्स. एक्शन मेक्स मनी फॉर द पर्सन इफ़ इट इज़ मेकिंग मनी, पर उससे ज़्यादा मनी हम लोग का निकल रहा है नेट में, अगर आउटफ्लो हो रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि जो कॉस्ट्स है दे आर मोर देन द बेनिफिट्स, राइट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट के नॉट बी अवॉइडेड. द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट वॉट टू डू इन द फ्यूचर. दैट विच वी फॉरगो और गिव अप वेन वी मेक अ चॉइस और अ डिसीजन. द एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर लॉस्ट चांस. तो इट इज द मनी या इट इज द रिटर्न विच वी कुड हैव अर्नड इफ़ वी हैड ऑप्टेड फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का सी. दैट विच वी फॉरगो और गिव अप वेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन. क्यों? क्योंकि हम लोग जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको नहीं चूज करके करेंट एक्टिविटी में अपना रिसोर्सेज को टाई अप कर रहे हैं. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज सेल्फ इंटरेस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिशन, स्पेशलाइजेशन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मार्केट सिस्टम है वो कैसे रेगुलेट होते हैं. जो मार्केट सिस्टम है उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? नेचुरली इट इज़ कॉम्पिटिशन. बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट स्पेस, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं इन द मार्केट दे गेट रेगुलेटेड. Which of the following countries do not follow a capitalist economic system? Capitalist होता था and socialist होता था और दोनों का मिला के we have mixed. Capitalist होता था जहाँ पे basically state owns everything and state ही decide करता है. Socialist होता है जब सबके लिए होता है. तो India we know follows a मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया. इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम.
द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स टू हिज टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी एंड डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू एनी ऑफ दीज. वी नो कि कोई भी रैशनल कस्टमर जो होगा, रैशनल कंज्यूमर जो होगा, वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है, जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाते हैं, विच इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द अमाउंट जो एक कंज्यूमर विलिंग होगा टू पे फॉर अ कमोडिटी. उसको जितना यूटिलिटी मिल रहा है उस एडिशनल यूनिट से, उतना ही वो पे करना चाहेगा. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी implies that marginal utility of a good diminishes over time. ये नाम में ही लिखा हुआ है कि marginal utility diminishes over time. Sorry, नहीं. ये नहीं है. It will be total utility is negative. Last unit of a good consumed will contribute most to the customer satisfaction. First unit of a good consumed will contribute most to the customer satisfaction. Correct answer will be D. क्योंकि law of diminishing marginal utility जो है, हाँ, it is true कि it does diminish over time, but it is ज़्यादा appropriate होगा to say that first unit of the good will contribute most to the customer satisfaction. क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो contribution होगा that will go on decreasing. The buyers in the market, we know all of these are buyers, the consumers, businesses, government, all three of them buy our commodities. Jo sellers bechte hain market mein, so it will be all of the above. The increase in demand of a commodity due to the fact that others are also consuming the same commodity, to क्या रीज़न दे रहे हैं? डिमांड इंक्रीज का रीज़न इज़ अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग, विच मीन्स कि हम लोग दूसरों के देखा देखी वी आर ऑल्सो बाइंग इट. सो दिस इज़ द बैंड वैगन इफेक्ट. दिस इज़ द बैंड वैगन इफेक्ट, जहाँ पे एक झुंड की तरह एवरीवन गोज टू बाय समथिंग. वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? वेबलिन इफेक्ट होता है जब हम लोग को ज़्यादा प्राइस का जो गुड है वो लगता है कि इसका क्वालिटी भी सुपीरियर होगा, इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा होता है. स्नॉब इफेक्ट होता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिमांड अ हायर प्राइस्ड कमोडिटी टू यूज इट एज अ स्टेटस सिंबल. एंड डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट इज बेसिकली जब हम लोग अगेन टू शो टू पीपल, दैट इज़ ओनली डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट. दिस वन इज द बैंड वैगन इफेक्ट. अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड डैश द कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज बेसिकली कंज्यूमर जो भी विलिंग था पे करने के लिए, एंड क्या वो पे किया, द प्राइस एक्चुअली पेड एंड द प्राइस ही वॉज विलिंग टू पे, ये दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस. तो नेचुरली लेट्स से ही वॉज विलिंग टू पे एक्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड वॉज पी. तो x माइनस पी होता है हम लोग का कंज्यूमर सरप्लस. इन लोग बोल रहे हैं p बढ़ जाएगा, विलिंगनेस तो सेम ही रहेगा. तो इफ़ x रिमेन्स द सेम एंड p इंक्रीजेस, तो व्हाट विल हैपन टू द कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट विल हैपन टू द कंज्यूमर सरप्लस? नेचुरली द इंटायर एक्सप्रेशन विल फॉल, क्योंकि हम लोग x से अब एक बड़ा पोर्शन को हटा रहे हैं. तो 11a इज द राइट आंसर. ऑल डिज़ायर्स टेस्ट्स एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डैश इन इकोनॉमिक्स. दीज आर वॉन्ट्स. बिकॉज डिमांड क्या होता है? विलिंगनेस इज दैट वी आर विलिंग टू बाई इट. वॉन्ट्स इज दैट वी जस्ट डिज़ायर इट. डिमांड इज वॉन्ट प्लस विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर. ये तीनों को मिला के ही डिमांड बनते हैं. अदरवाइज इट इज सिंपली अ वॉन्ट. Match the following two perfect substitute goods, two perfect complementary goods. Indifference curve is always, and higher IC gives higher level of satisfaction. So indifference curve is always का तो बहुत easy है, convex to the origin. तो C का 4 होगा, which means we have B and C as our options. Okay. Next हम लोग देखते हैं
कौन सा इजी है? वी नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का शेप क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का शेप क्या होते हैं? वन ऑफ देम इज सिंपली एज ए स्ट्रेट लाइन एंड वन ऑफ देम इज लाइक दिस. ऐसा कब होता है? विच वन इज फॉर विच? जब टू परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कि वो दोनों साथ में बाय होंगे. तो इफ़ वी गेट टू यूनिट्स ऑफ वन गुड एंड वन यूनिट्स ऑफ द अदर गुड, देन इट इज इक्विवेलेंट टू वन यूनिट ऑफ ईच. विच मीन्स कि जो इंक्रीज है वो दोनों गुड्स में, या फिर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दैट शुड बी कॉन्स्टेंट. द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी कॉन्स्टेंट, राइट? तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में थर्टीन सी होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो द इनडिफरेंस कर्व पे सेम ही लेवल आ रहा है. सैटिस्फैक्शन इज नॉट चेंजिंग. सैटिस्फैक्शन इज नॉट चेंजिंग जस्ट बाय सिंपली चेंजिंग द लेवल ऑफ कंजम्पशन. एंड सिमिलरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में इट इज अ लीनियर रिलेशन, अ लीनियर इनडिफरेंस कर्व. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव अ लीनियर इनडिफरेंस कर्व एंड टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव एल शेप इनडिफरेंस कर्व. लास्टली हायर आई सी गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग. तो इसीलिए डी का टू अगेन एज पर ऑप्शन सी. इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन एज, अच्छा जो मॉक पेपर्स है उनमें ये एक प्रिंटिंग का कुछ कुछ जगह में एरर है कि जो पावर वाला है, जो सुपर स्क्रिप्ट में है, उनको भी उन लोग सेम लेवल पे लिख दिए हैं. तो दिस इज एक्चुअली ए एल टू द पावर स्मॉल ए एंड के टू द पावर वन. एक्चुअल में इन लोग ये लिखना चाह रहे थे. तो इसमें शेयर ऑफ लेबर इन टोटल प्रोडक्शन, शेयर ऑफ लेबर क्या होता है कॉब डगलस में? ये होता है कॉन्स्टेंट फैक्टर. दिस इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर. L इज द लेबर कॉम्पोनेंट एंड K इज द कैपिटल कॉम्पोनेंट. L के पावर में जाता है लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड K के पावर में जाता है कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट इज द कॉब डगलस फंक्शन. तो लेबर का हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो इट इज ऑब्वियसली स्मॉल ए. तो 14A. 15 अगेन मैच द फॉलोइंग. टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल, गोल्ड एंड डायमंड, रागी एंड बाजरा. टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लेट्स सी ए का टू. ए का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. ए का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज 15B. तो नेचुरली 15B इज द करेक्ट ऑप्शन. रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन वन फैक्टर ओनली, वेरियस इनपुट साइमल्टेनियसली, ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली एंड नन ऑफ द अबव. नेचुरली रिटर्न्स टू अ फैक्टर लिखा है. रिटर्न्स टू अ फैक्टर लिखा है तो इसीलिए हम लोग टोटल आउटपुट के चेंज को मॉनिटर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन फैक्टर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट इन यू शेप? कॉस्ट कर्व्स में एवरेज कॉस्ट ऐसे होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली कटिंग द एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगेन इज यू शेप्ड, जिसके मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट काटता है. तो सिंस एवीसी, एमसी एंड एसी ऑल थ्री ऑफ देम आर यू शेप्ड, ओनली एएफसी इज नॉट यू शेप्ड बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. गिवन टीसी इज इक्वल टू 2000 प्लस 15Q, अगेन सेम प्रॉब्लम. यहाँ पे दे मेंट टू राइट 15Q माइनस 6Q स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब. इवन तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को क्या पूछा है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. हम लोग को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है
एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज द सेम फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट तो इस केस में भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 2000 ओनली. अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक्ड डिमांड कर्व. किंक्ड डिमांड कर्व कहाँ पे आता है? किंक्ड डिमांड कर्व वी सी इन ओलिगोपोली. और वो क्यों होता है? बेसिकली किंक्ड डिमांड कर्व का मतलब होता है कि इस पॉइंट के ऊपर या नीचे जाने से हम लोग बाकी जो सेलर्स ऑफ द मार्केट हैं उनसे डिफरेंट हो जाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ अस बीइंग डिफरेंट व्हाट विल हैपन, या तो हम लोग प्राइस चेंज करेंगे या हम लोग क्वांटिटी चेंज करेंगे, जिसके कारण वी विल मूव अवे फ्रॉम दिस किंक. एंड उसके कारण कस्टमर्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग एंड देयर बेसिकली उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा. तो ये किंक क्या डिटरमाइन करता है, ये किंक क्या इम्प्लाई करता है? ये किंक इम्प्लाई करता है कि जो प्राइस है वो भी रिजिड है और जो क्वांटिटी है वो भी रिजिड है. तो प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी. सो द करेक्ट आंसर इज 19A. When total revenue is increasing, marginal revenue may either be positive or negative. Demand curve is relatively inelastic. Marginal revenue is positive. Marginal revenue is negative. तो when total revenue is increasing, तो क्या होता है उस time पे? Total revenue curve जो है उस time पे मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहते हैं. जैसे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने लगता है, जैसे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने लगता है वैसे ही जो मार्जिनल रेवेन्यू है मैक्सिमम पे वो ज़ीरो पहुंच जाते हैं एंड डिक्रीज होने के टाइम इट बिकम्स नेगेटिव. तो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग MR इज पॉजिटिव. वैल्यू इन एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू. Because value in use बहुत different चीज़ होता है. Economic value is actually the value in exchange. Which one of the following features of the term market is incorrect? Market is the collection of buyers and sellers with the potential to trade. A market need not be formal. A market need not be held in a particular place. A market must be formal or to be held in a particular place. हम लोग को निकालना है incorrect. First one is correct, second one is also correct, third one is also correct, fourth one is wrong, which means correct answer kya hoga? D hoga. 23. If a firm's total revenue is not enough to make good even the dash, it is better for the firm to shut down. In log pooch rahe hain shutdown point kahan pe hota hai. Shutdown point is when even the variable costs cannot be covered. Even the variable costs cannot be covered. So average variable cost या total variable cost दोनों ले सकते हैं. Since total revenue है इसीलिए total variable cost. अगर average revenue होता तो फिर average variable cost लेते. This is the shutdown point. The study of demand and supply model is useful in explaining how governments work, how markets work, how consumers behave, and none of these. Market ke liye hum log karte hain. Point of intersection of demand and supply is where the market operates in equilibrium. A monopolized market is in long run equilibrium. When zero economic profit is earned by the monopolist, never. Kyunki monopolist ka main thing hi ye hota hai ki wo long run mein super normal profits earn kar sakta hai. Production takes place where price is equal to long run MC and AC. ये किसका होता है? ये होता है for a perfectly competitive market. Perfectly competitive market हमेशा perfectly competitive market जो है वो हमेशा long run में minimum point का जो minimum point है वहाँ पर ही operate करते हैं. Production takes place where long run MC is equal to MR, which is basically the main condition, and price is not below the long run average cost. मतलब कि long run average cost जो है उतना तो cover होना ही चाहिए price से, and उसके ऊपर जहाँ पर भी MR is equal to MC होता है वहाँ पर a monopolist can operate, and that is exactly what a monopolist does.
If a firm sells its output on a market that is characterized by few sellers and many buyers and limited long-run resource mobility, then the firm is बहुत ही easy है. Few sellers मतलब ही oligopolist. Which one of the following is a differentiated product? Hamburger differentiate होता है, shirt differentiate होता है, automobile होता है. तो all of the above. Decrease in input demand. Decrease in input demand doesn't affect input prices, pushes input prices up, pulls input prices down, either B or C. क्या होएगा? Demand अगर decrease हो रहा है तो price क्या होगा? Demand अगर decrease हो रहा है तो फिर inputs का price भी decrease होने लग जाएगा. Inputs का प्राइस भी डिक्रीज होने लग जाएगा. ये याद रखना हमेशा, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बोलते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है. इट डज नॉट से द ऑपोजिट, इट्स नेवर सेज द ऑपोजिट. तो इसलिए डिमांड अगर घट जाता है तो प्राइस आल्सो कम्स डाउन. नेचुरली अगर लॉजिकली भी सोचो, कोई भी चीज़ का डिमांड अगर मार्केट में कम हो रहा है तो जो सेलर्स हैं उन लोग क्या बोलेंगे, दे विल बी विलिंग टू सेल एट अ लेसर प्राइस ऑल्सो, बिकॉज उनको अब अपना प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन लोग को अपना स्टॉक खाली करना है. ओके, तो पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन. डिफरेंट बिजनेस साइकिल डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, दे डिफर क्योंकि जो बिजनेस साइकिल्स होता है कभी बहुत हाई होता है, कभी लो होता है, बहुत ही डिफरेंट होते हैं. कभी लंबा टाइम तक एक स्टेज चल जाता है, कभी कोई स्टेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. तो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी. इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन, डैश इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट. ये हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज में किए हैं. शॉर्ट रन में हम लोग को स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस करना है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट को चेंज करना मतलब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं, राइट. फिस्कल पॉलिसी होता है जब हम लोग टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब यूज़ करते हैं. बजटरी पॉलिसी होता है जब हम लोग बजट सरप्लस एंड डेफिसिट को चेंज करते हैं. एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ अ वेरी जनरल टर्म. मॉनेटरी पॉलिसी इज़ व्हेन वी एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि रेशियोज़ उन लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली. वी कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ क्वान्टिटेटिव ईजिंग. ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. डैश इज़ कंसर्न्ड विथ वेलफेयर प्रोपोजिशन. वेलफेयर प्रोपोजिशन हम लोग को पता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ही होता है. द ग्रेटर द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स, द डैश द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट. ऑब्वियसली जितना मनी इनकम वेरी होगा उतना ही इनइक्वालिटी नेशनल आउटपुट में भी होगा. अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज आर मोनोटोनिक If and only if between two bundles, the consumer prefers the bundle which has. ऊपर ही हम लोग किए थे. मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अ हायर सेटिस्फैक्शन. वाई? बिकॉज जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें द नंबर ऑफ गुड्स इज ऑलवेज मोर. एंड हाउ मोर? कोई एक कमोडिटी का अगर यूनिट्स बढ़ता है तो दूसरे कमोडिटी का यूनिट अगर कम हो जा रहा है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब हम लोग सेमी इंडिफरेंस कर्व पे काम करें या फिर नीचे जा रहे हैं. पर अगर हम लोग एक कमोडिटी का यूनिट्स बढ़ा रहे हैं और दूसरे वाले का भी या तो बढ़ा रहे हैं या फिर एटलीस्ट सेम रख रहे हैं, देन इट मीन्स कि हम लोग का यूटिलिटी बढ़ रहा है एंड वी आर मूविंग ऑन टू द हायर इंडिफरेंस कर्व. दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. तो more of at least one good and no less of the other good. क्योंकि less होने से ही इसका मतलब है या तो same indifference curve या फिर lower indifference curve, right? Law of diminishing marginal rate of substitution.
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब है कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट आईसी कर्व थ्योरी, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का जब हम लोग बात करते हैं तभी MRS आते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वॉज गिवन बाय इनडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो हिक्स दिया था, करेक्ट। असर्शन, एन आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। रीजन द मार्केट रेट, ये आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स जो सेम कॉस्ट पे हम लोग को, सॉरी, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो सेम कॉस्ट पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ द आइसो कॉस्ट लाइन विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो असर्शन इज करेक्ट। द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कॉन्स्टेंट। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू इनपुट्स मतलब कि बेसिकली एक इनपुट को हम लोग दूसरे के जगह किस रेट पे ले सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो ये इन लोग बोल रहे हैं इज़ द रीज़न, दे आर सेइंग दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ ट्रू कि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। इसी के कारण जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, बिकॉज बेसिकली जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट बन जाता है, जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट बन जाता है, इसीलिए आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। व्हेन एपी राइजेस, बेसिकली क्वेश्चन पढ़ो ए और एवीसी के बीच के रिलेशन का बात है। हम लोग ये कर चुके हैं कि एपी एवीसी ये लोग सब मिरर इमेजेस होते हैं, तो एपी कर्व जो होता है वो ऐसे बनता है और एवीसी कर्व जो है वो ऐसे बनते हैं। तो क्या होता है, एपी जब राइज करता है एवीसी फॉल करता है। एपी मैक्सिमम पहुंचता है तो एवीसी मिनिमम पहुंचता है, एपी फॉल करता है तो एवीसी राइज करता है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। अच्छा, वन थिंग टू कीप इन माइंड प्लीज, मॉक के सोल्यूशन में ऑप्शन ए दिया हुआ है करेक्ट, विच इज़ रॉन्ग फॉर श्योर, ये गलत है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स दो में होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लेकिन क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट इज़ द सेम, तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है इसीलिए इट इज़ परफेक्ट या फिर प्योर कॉम्पिटिशन। अगर स्टैंडर्डाइज की जगह डिफ्रेंशिएटेड लिखा होता तो फिर वो बन जाता मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओके, द मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव सेलर्स डिमांड कर्व विल बिकम मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है, लॉजिकली सोचो, मोर इलास्टिक मतलब कि वो थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज करेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा उसके डिमांड में। तो ये कब होगा, ऑप्शंस देखते हैं। मोर सिग्निफिकेंट द बैरियर्स टू एंट्रिंग द इंडस्ट्री, अगर सिग्निफिकेंट बैरियर्स होता तो फिर इलास्टिक क्यों होता, बिकॉज सिग्निफिकेंट बैरियर्स का मतलब है कि जो बायर्स हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो इसीलिए उन लोग कहाँ जाएंगे, तो डिमांड नहीं चेंज कर पाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ग्रेटर द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत है मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी स्पेशल, इवन इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट, पीपल हु लाइक माई प्रोडक्ट, जो डिफरेंशिएशन आई एम प्लेइंग, इफ दे लाइक इट देन दे विल स्टिल बाय इट एट द हायर प्राइस। तो यहाँ पे भी इलास्टिक नहीं हुआ डिमांड। लार्जर द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स एंड स्मॉलर द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, नेचुरली अगर आज मेरे कंपेटिटर्स ज़्यादा होंगे तो मेरे बायर्स के पास ऑप्शन होगा टू लीव मी एंड गो टू द अदर्स इफ आई एम इंक्रीजिंग माई प्राइस। तो ज़्यादा कंपेटिटर्स होने से मेरा जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। वी नो वेरी वेल
कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ दी ओनली वन जहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी नहीं होते, बिकॉज ये तीनों को अपने मन से प्राइस चार्ज करना अलाउड है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस. इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेज रेवेन्यूज एंड डिक्रीजिंग दैम डिक्रीजेज रेवेन्यू, देन डिमांड फॉर एयर ट्रैवल हैज़ अ प्राइस इलास्टिसिटी. तो बेसिकली एयर फेयर इंक्रीज करने से उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज करने से उनका रेवेन्यूज डिक्रीज हो रहा है. दिस इज सिमिलर टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी एंड आंसर क्या होगा? ग्रेटर दैन ज़ीरो बट लेस दैन वन. क्यों? क्योंकि हम लोग को समझ में आ रहा है कि आज अगर मान लो फाइव टिकट्स था, फाइव टिकट्स का जो भी प्राइस था मान लो 10 रुपीस था, 10 को अगर हम लोग 12 कर देते और एयर फेयर इंक्रीज करने से हम लोग का पहले यहाँ पे टोटल रेवेन्यू वाज 50, टोटल रेवेन्यू वाज 50 एंड 60, राइट? तो 50 का 60 हो गया, ऐसे समझो. प्राइस था 10, ठीक है? 10 जब प्राइस था तो 5 टिकट्स का डिमांड था, टोटल रेवेन्यू वुड बी 50. प्राइस को हम लोग बढ़ा के मान लो कर दिए 12. 12 पे टोटल रेवेन्यू इन लोग बोल रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है. तो 12 पे मान लो अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करके अगर वी मेक इट 72, लेट्स से अगर 72 बना दे रहे टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? 6 हो जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड. तो मतलब प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रहा है. ये एक केस हुआ. दूसरा केस, सिक्सटी है तो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड सेम रह रहे, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रह रहे, पर अगर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दें, मान लो 4 कर दें तो क्या हो रहा है? ये 48 हो जा रहा है. ये तो हो ही नहीं पा रहा ना हम लोग के केस में. हम लोग के केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ ही हो रहा है. तो इसीलिए जो इलास्टिसिटी है इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो बट लेस दैन वन. ओके. अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज अ गुड हैविंग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 एंड 1 एंड इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1. तो ये हम लोग कर चुके हैं कि इनकम इलास्टिसिटी से हम लोग नेचर ऑफ द गुड डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे करते हैं? अगर इनकम इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर दैन 1 है तो वी लेबल इट एज अ लग्जरी गुड. अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है तो फिर वो बन जाता है नेसेसिटी गुड. और इनकम इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है या फिर लेस दैन 0 है तो वो बन जाता है इन्फीरियर गुड्स. तो इस केस में नेसेसिटी पूछा है. तो नेसेसिटी कब होता है? नेसेसिटी होता है बिटवीन ज़ीरो एंड वन. मोनोपलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशियंट बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू कीप द प्राइस हायर दैन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिकॉज दे चार्ज अ प्राइस हायर दैन द मार्जिनल कॉस्ट. दोनों ही रीजन्स होता है मोनोपलिस्टिक के मोनोपलीज के केस में कि उन लोग आउटपुट भी कम करते हैं और प्राइस भी ज़्यादा करते हैं. तो इसीलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट इफ द प्राइस ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल is less than marginal revenue, marginal cost, average total cost and average revenue. तो इन लोग बोल रहे हैं price of the good basically होता है marginal revenue या फिर average revenue. Average revenue ही पकड़ते हैं, ठीक है? Average revenue. तो average revenue should be more than average cost for the firm to operate. तो इसीलिए अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के नीचे चला गया
तब क्या होगा, फर्म्स एग्जिट करने लग जाएंगे. तो करेक्ट आंसर इज सी. द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज अबव द आइसोक्वांट, बिलो द आइसोक्वांट, कटिंग द आइसोक्वांट एंड टेंजेंट टू द आइसोक्वांट. वेरी इजी, ऑफ कोर्स इट इज टेंजेंट टू द आइसोक्वांट. ये है हम लोग का आइसोक्वांट. आइसोक्वांट एंड कॉस्ट लाइन. जब टेंजेंट होता है, जब टेंजेंट होता है तभी हम लोग का इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है. अगेन मॉक में ये आंसर गलत दिया हुआ है. द करेक्ट आंसर इज टेंजेंट टू आइसोक्वांट. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स इन विच द टोटल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड इज डिफरेंट. क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज उसी बेसिस पे जो मोनोपोली है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो अपना प्राइस का डिफरेंशिएशन करता है. तो इसीलिए इट हैज़ टू बी डिफरेंट. एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वान्टिटी परचेज, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी ग्रांटेड, determining the fair price for food and deciding how to distribute the output of the economy. ये सब कुछ भी पॉजिटिव इकोनॉमी नहीं है. पॉजिटिव इकोनॉमी बेसिकली रिलेशनशिप्स देखते हैं. तो एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड प्राइस ऑफ फूड एंड क्वान्टिटी परचेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑब्वियसली तभी होता है कॉस्ट मिनिमम एंड रिसोर्सेज सारा यूटिलाइज हो. तो ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड लीस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है वो गुड के खुद के प्राइस के कारण, और डिक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन डिमांड होता है चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं. तो प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न ही होगा. एंड डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है. तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न. ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, सिंगल सेलर होता है करेक्ट, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट एट ऑल, फर्म इज़ द प्राइस मेकर. क्योंकि वो मोनोपोली है तो वो डिसाइड करेगा कि वॉट प्राइस आई विल सेल एट, बिकॉज एवरी वन विल हैव टू बाई फ्रॉम मी ओनली. फर्म प्रोड्यूसेज अ यूनिक प्रोडक्ट, इट इज़ ट्रू. द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एडवर्टाइजिंग, थोड़ा एडवर्टाइजिंग मोनोपोली में होता ही है. तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, क्योंकि हम लोग को चाहिए था ऐसा आंसर जो एक फीचर नहीं हो. अदर नेम ऑफ बजट लाइन, अदर नेम ऑफ बजट लाइन इज़ द प्राइस लाइन. क्योंकि बजट लाइन क्या करता है, दोनों कमोडिटीज़ का जो प्राइस है उनको यूज़ करके प्लॉट करते हैं पॉइंट्स. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन. डैश एक्सप्रेस्ड द व्यू द इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड, ये किसका डेफिनेशन था, प्लीज़ याद रखना कि यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट्स एंड वो क्या क्या बोले थे. तो रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन दिया था. द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. We know it is diminishing marginal utility, जिसके ऊपर हम लोग कंज्यूमर सरप्लस किए हैं. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसी ये मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ये प्राइस होता है, ऐसी करके हम लोग कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं. इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड देन द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज ज़ीरो, वन, इनफाइनाइट, नन ऑफ द अबव, इट इज़ ज़ीरो. क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो. विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर,
इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन ये होता है. रिस्क बेयरिंग ऑफकोर्स होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. इनोवेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. इनोवेशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज नॉट समथिंग विच द एंटरप्रेन्योर हैज टू डू. इवन तो वो यूज़ करता है, पर एंटरप्रेन्योर अपना खुद का एफर्ट डालते हैं, वो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव एंड कॉम्पिटिशन. ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है. फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होता है कैपिटलिस्ट में एंड कॉम्पिटिशन भी होता है. बिकॉज कैपिटलिस्ट क्या बोलता है, कैपिटलिस्ट इज बेसिकली जब हम लोग सबको देख के रखें. एंड सोशलिस्ट होता है जब खुद हम लोग ओन करके रखें, खुद हम लोग ओन करके रखें एंड वी डिसाइड कि हु एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ टू. तो कैपिटलिस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है क्योंकि सब खुद ओन कर रहे हैं. फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स होता है एंड कॉम्पिटिशन भी नेचुरली हो जाता है बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सब अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन ARMR एंड प्राइस इलास्टिसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला है, नथिंग इन दिस. MR इज इक्वल टू AR इनटू E माइनस 1 बाय E. तो 57B. फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल ये होता है पीक, फिर आता है रिसेशन, फिर आता है ट्रफ और फिर आता है रिकवरी. दिस इज द रिकवरी. तो पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड रिकवरी. 58C. डैश इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जब जो कॉस्ट को हम लोग अकाउंट्स में नहीं लेते. तो वेजेस ऑफ द लेबर ऑफकोर्स अकाउंट्स में जाता है, चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल. ओन्ड मनी कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग नहीं दिखाते हैं, तो दैट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट. कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड. वेन इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेज बाई 10%, डिमांड फॉर TV राइजेज बाई 20%. ये कर लेते हैं जल्दी से. इनकम ऑफ हाउस होल्ड, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. राइट, तो बहुत ही इजी है. परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, 20% से चेंज हुआ है और इनकम कितना से चेंज हुआ था, 10% से. तो दिस इज गिविंग अस 2. एंड पॉजिटिव होता है बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम भी राइज कर रहा है, डिमांड भी राइज कर रहा है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स पोर्शन ऑफ द फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज. थैंक यू ऑल ऑफ यू.